इसको 11 बाब तक इसकी स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया था पिछले एपिसोड में कि आपको परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के हार्ट को समझ जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, कमज़ोरों को, व्यर्थ को चुनता हूँ ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के ऊपर, ये परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के ऊपर। वो उन अगुओं की तलाश में है जो बाइबल कहती तुच्छ कमज़ोरों को वो चुनता है। इसलिए नहीं कि वो उनको तुच्छ रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है कि वो लाखों करोड़ों की अगुवाई करेंगे। लेकिन वो ये ना सोचे कि हम बहुत मजबूत थे तो इसीलिए हम चुने गए हैं। इसीलिए परमेश्वर सबसे कमज़ोरों का चुनाव करता है, जो कार्य परमेश्वर आपकी लाइफ से और आपके द्वारा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी दलेर कौम थे। मैंने इसराइली कौम को, यहूदी कौम को इसलिए चुना था कि ये सबसे कमज़ोर और सबसे छोटे थे, और इसीलिए मैंने इनको चुन लिया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर छुड़ाने पर आता है तो वो एक लेबर क्लास को, क्योंकि जो इसराइली मिस्र में थे वो लेबर क्लास थे, सब लेबर करते थे, तो परमेश्वर जब उनको छुड़ाकर, बाइबल कहती है कनान के सब देशों में बसाकर उनका राजा बना सकता है, यानी उनका किंगडम उन्हें दे सकता है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी अजीब और अचंभे कामों को दिखाने के लिए और आपको कुछ ऐसा देने के लिए वो आपको अपने पास बुलाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम अन्य जातियों से आते हैं, हम जब परमेश्वर को नहीं हमने जाना होता तो हम समझते नहीं कि परमेश्वर का इतना बड़ा प्लान हमारी लाइफ में है। तो हमें दुनिया से कट होकर, हमें पापों से कट होकर, हमें डिस्ट्रैक्शन से कट होकर हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है, ताकि जो परमेश्वर का प्लान है हमारी लाइफ में वो हमेशा पूरा हो और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में वो काम कर सके जिसके लिए हम चुने गए हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जो एक्चुअल में परमेश्वर हमारे लिए अपने दिमाग में, अपने हार्ट में, अपनी सोच में जो फोटो, जो प्लान, जो कुर्सी, जो डेस्टिनी हमारे लिए रखता है और सोचता है, हम उसे पा सकें। इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने अपने उद्धार के लिए काम करते जाओ, क्योंकि अभी आपका सिर्फ चुनाव हुआ है, आप परमेश्वर में आए हैं, अभी तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके बाद आपकी ज़िंदगियों में से बड़े बड़े कामों को करता है। आमीन। अब जब हम न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम 7 बाब में गिदौन को देखते हैं मिद्यानियों को हराते हुए, फिर 8 बाब में हम गिदौन की एक गलती को देखते हैं जहां उसने एक ऐसी चीज़ बना दी जिसको इसराइलियों ने एक मूर्ति पूजा के रूप में इस्तेमाल किया और जिसका असर गिदौन और उसके वंश पर भी उसका श्राप आया। तो हम परमेश्वर के कामों को भी देखते हैं, परमेश्वर की दया को भी देखते हैं, और जब ये लोग गलतियां करते हैं तो परमेश्वर के न्याय को भी इनकी ज़िंदगियों में देखते हैं। जब हम न्यायियों की पुस्तक 9 बाब को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है इसमें हमें बड़े ध्यान से 9 बाब को, 10 बाब को और 11 बाब को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो वचन मैं आपको अभी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहले 11 बाब के 29 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा यिप्त में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। तब यिप्त ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं तो जो भी मेरे द्वार से भेंट करने के लिए घर से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब यिप्त कौन था? यिप्त को अगर आपने पढ़ना है तो ये भी एक न्यायी के रूप में इसने काम किया और इसराइलियों को छुड़ाया।
लेकिन यिप्त कौन था? बाइबल कहती है न्यायियों की पुस्तक 11 बाब की पहली आयत में, यिप्त नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, वह वैश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्त उत्पन्न हुआ था और गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वो बड़े हो गए उन्होंने यिप्त को ये कहकर निकाल दिया, तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में तो कोई भाग ना पाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने किसको चुना? एक वैश्या के बेटे को। क्या यहाँ पर परमेश्वर पाप को प्रमोट कर रहा है या क्या हो रहा है? क्यों परमेश्वर एक वैश्या के बेटे को चुनेगा या ऐसे वंश को चुनेगा जो एक वैश्या से उत्पन्न हुआ है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप वचन को गहराई से पढ़ते हैं आपको परमेश्वर की समझ आती है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब सुलेमान किससे पैदा हुआ था? हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा के साथ जो दाऊद का अफेयर हुआ वो उससे पैदा हुआ था। तो परमेश्वर ने उसको राजा क्यों बनाया? क्योंकि सुलेमान की उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, वो अपने आप को पैदा करने वाला उसकी मर्जी नहीं थी। जब वो कहां से निकला है इससे उसकी लाइफ में कोई लेना देना नहीं। क्या अब वो परमेश्वर में है या नहीं? वो वैश्या का बेटा है, ये उसकी च्वाइस नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती जब बड़े बच्चों ने दूसरे जायज संतानों ने उसको निकाल दिया, बात यह है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका पास्ट आपको रोक नहीं सकता। आप किस घराने से हैं, वो घराना कितना गरीब है, आपकी पास्ट लाइफ कितनी मुश्किल में रही है, आपकी पास्ट लाइफ कैसी गड़बड़ में रही है, वो आपके फ्यूचर को निर्धारित नहीं करती जब परमेश्वर आपका चुनाव कर लेता है। जब परमेश्वर आपका चुनाव कर लेता है आप कहां से निकले हैं ये मायने नहीं करता। इसीलिए जब दाऊद की जगह राजा बनाया गया तो सुलेमान को बनाया गया। रीजन ये नहीं था कि वो बैतशेबा का बेटा था, रीजन ये था कि अगर बैतशेबा के साथ दाऊद ने गुनाह किया तो उसकी सजा दाऊद को मिली। दाऊद फिर से पहाड़ों पर जहां नंगे पैर होकर शाऊल से भागा करता था, फिर से वही कर्स उसकी लाइफ में वापस आया और अपने बेटे से भागा भागा फिर वो उसी पहाड़ पर चला और बाइबल कहती उसकी इंसल्ट हुई और बाइबल कहती उसके अपने घराने में तलवार चली जो उसने हित्ती उरिया को मरवाया। उसका सारा जो असर था उसके परिवार पर दाऊद के मरने तक रहा। जब सुलेमान भी राजा बनाया गया था तब भी दाऊद के एक बेटे ने उसकी विरोधता की थी और बाद में वो भी मारा गया था। ये वाला दाऊद का बेटा जब दाऊद के खिलाफ खड़ा हुआ और दाऊद को भागना पड़ा तब भी वो भी मारा गया था। तो इस घटना ने, इस पाप ने दाऊद को बहुत दुख दिए और दाऊद बड़ी दुविधा में रहा, कन्फ्यूजन्स में रहा और बहुत मुश्किल में रहा। लेकिन सुलेमान जो उससे पैदा हुआ था, अगर उसका संबंध परमेश्वर के साथ सही था तो परमेश्वर ये भी मैसेज देना चाहता था कि तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। माफ कर दिया था प्रभु ने दाऊद को, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस माफ नहीं किया था। प्रभु आपके पाप को माफ कर देता है लेकिन उस पाप के असर को वो माफ नहीं करता, वो आपकी लाइफ में रहेगा। और सुलेमान को परमेश्वर ने इसलिए राजा बनाया कि परमेश्वर कहता कि मैं जब तुम्हें माफ कर देता हूं मैं तुम्हारे पास्ट को भूल भी जाता हूं। हालेलुया। इसलिए कहता हूं वर्ड बहुत डीप समझने वाला है। तो यहां पर जब हम ये समझते हैं कि यिप्त जो वैश्या का बेटा था उसे परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही संबंधों को रखता था, परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, वो समझता था परमेश्वर की चीजों को। और बाइबल कहती है जबकि जब वो चुना गया तो उसने कहा कि जब मैं अमोनियों से लड़ने को जाऊंगा, जब मैं घर वापस आऊंगा, मेरे घर से जो कोई पहले निकलेगा वो होम बलि करके मैं चढ़ा दूंगा। और बाइबल कहती है कि जब वो मार कर वापस आया तो उसकी बेटी ढोल बजाकर घर से निकल रही थी, तो वो दुखी हुआ क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी, उसकी इकलौती बेटी थी। अब उसको, उसने कहा था कि जो कोई मेरे घर के द्वार से पहले निकलेगा मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब 36 आयत में लिखा, उसने कहा उसकी बेटी ने, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है जो तेरे बात मुंह से निकली है उसके अनुसार तू मुझसे बर्ताव कर,
क्योंकि यहोवा ने अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। और उसने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारेपन को रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब वह उसको उसने 2 महीने की छुट्टी दी और वह अपनी सहेलियों सहित चली गई पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन को रोती रही। 2 महीने बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुँह कभी न देखा था, इसलिए वह इसराइलियों में ये रीति चली कि इसराइली स्त्रियां प्रतिवर्ष रिप्त गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। परमेश्वर इंसानी बलि से नफरत करता था, इंसानी बलि को रिसीव नहीं करता था। तो यहाँ पर उसकी बलि नहीं दी गई थी, यहाँ पर उसको अपनी तमाम उम्र तक कुंवारा रखा गया था, यानी उसकी जो शादी थी फिर वो नहीं की गई थी। जिस तरह नए नियम में भी ये लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा कि जो एक कुंवारी लड़की है उस पर जो अधिकार है वो उसके बाप का है, और जो मैरिड है उस पर उसका अधिकार जो है वो पति का है। इसीलिए औरत की जो बरकत है, परमेश्वर ने उसे मैन का हेल्पर बनाया है। और जब एक और आज लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं अपनी लाइफ में, आदमी सेटिस्फाइड क्यों नहीं, बिजनेस के लिए रो रहा है वो, कर्जे के लिए रो रहा है। आज जब काउंसलिंग के लिए लोग ट्यूसडे टीम में आते हैं, मंगलवार को चर्च में आते हैं, 90% जो लोग कर्जे में हैं अपना टाइथ नहीं देते। और उनको जब टीम पूछती है आप अपना टाइथ पे करते हैं, नहीं, तो आपको कर्जे से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। 90% जो बंदे हैं, मेन हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। औरतें सिर्फ प्रार्थना करती हैं और उनकी लाइफ में बहुत सी कमियां हैं। वो अपनी पति की अधीनगी में नहीं हैं, वो टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में लोगों को समझाई जाती हैं। हर मंगलवार चर्च में काउंसलिंग होती है और लोगों को समझाया जाता है। और पौलुस ने कहा, जो अपनी कुंवारी को रख छोड़ता है और उसकी शादी नहीं करता, वो और अच्छा करता है। कहता है ये बेटर है कि तुम उसको परमेश्वर की सेवा में दे दो। पर जो शादी कर देता है वो भी अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन जो नहीं करता वो और भी अच्छा है। इसमें परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर ने औरत को मैन का हेल्पर बनाया, मैन को अपने लिए बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया कि वो उसके साथ सहभागिता करे। आज कितने आदमी हैं जो परमेश्वर की सहभागिता में हैं? अगर हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं, अगर इस हीटर को जो मेरे पास लगा है, अगर इसको हीट देने के लिए बनाया गया, अगर ये हीट को छोड़ के सब कुछ करे, तो मैं बोलूँगा इस मेटल के टुकड़े को बाहर फेंक दो और यहाँ कुछ अच्छा सा लगाओ। आज हम आत्मिक रूप से इतने डफर क्यों हो गए हैं कि जिस काम के लिए हम बनाए गए हैं उस काम को हम नहीं कर रहे। हम बिजनेस काम धंधा क्या कर लिया, करके हो गया कुछ? नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, पहले मेरे साथ सहभागिता कर, सुबह उठ प्रार्थना कर, 1-1.5 घंटा प्रार्थना कर, रात को सोने से पहले प्रेयर कर, बाइबल पढ़, अपना टाइम, अपने टाइम का टाइथ, अपने कमाई का टाइथ मुझे दे, तब मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हमें परमेश्वर को ऑनर करना होता है, लेकिन नहीं, हमें तो अपनी मर्जी करनी है। इसीलिए आदमी सेटिस्फाइड नहीं। औरत को क्या कहा कि तू हेल्पर है, अपने पति के अधीन रह, अपने पिता के अधीन रह, लेकिन आज वो अधीन नहीं है, इसीलिए वो भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। आज जिन घरानों में परमेश्वर की बरकत है, जिन सेवकाइयों में प्रभु की रियल बरकत है, अगर आप देखेंगे तो वो एक्यूरेटली बाइबल को फॉलो करती हैं। आदमी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, औरत एक हेल्पर के रूप में काम कर रही है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप स्ट्रांग मिनिस्ट्री चाहते हैं, स्ट्रांग लाइफ चाहते हैं, आपको बाइबल के वर्ड को फॉलो करना होता है। हालेलुया। अगर आपके घर में औरत की प्रार्थना मर्द से ज्यादा है, तो आपका घराना अभी राइट करेक्शन में नहीं है। जिसको अगुआ बनाया प्रभु ने कहा, मर्द घर का सिर होगा, सिर बीमार हो और शरीर चले, काम नहीं चलेगा। आदमी की प्रार्थना कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे होनी चाहिए,
अगर औरत 2.5 घंटे कर रही तो तुम्हारी 2.5 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा होनी चाहिए, 2.5 घंटे तो होनी चाहिए, 2 घंटे 24 मिनट तो होनी चाहिए डाइट के हिसाब से। क्योंकि अगर अगुआ अंधा है, अगर अंधा है तो शरीर कहाँ जाएगा। हमें ये बातों को समझने की ज़रूरत है। इस न्यायियों की पुस्तक को अगले एपिसोड में हम एक तरह से इसे फिनिश कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड के अंदर अंदर। हालेलुया, मालूम नहीं कितने लगेंगे, अभी कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको पढ़ना है, न्यायियों की पुस्तक की जब स्टडी चल रही है आपने नोट्स को नोट करना है, आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। संडे को स्पेशल प्रभु भोज की मीटिंग में टाइम से पहले आइए, कोई मिस ना करे उस मीटिंग को। खुदावंद का आत्मा आपको अजीब और चंभीरिति के साथ छुएगा, आप सेव नहीं होंगे। और मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ जो प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में शामिल हैं। मैं ग्रेट डिलीवरेंस देख रहा हूँ आपकी लाइफ में। आप एक ऐसी रास्ते पर और ऐसे राह पर निकल पड़े हैं जहाँ आप डिलीवरेंस को पाए बिना वापस नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ स्पिरिट से, प्रोफेटिकली बता रहा हूँ, ये फेसबुक वाला प्रोफेसी नहीं है, मैं आपको रियल प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ। आप चल पड़े हैं उस रास्ते पर जहाँ ग्रेट डिलीवरेंस और ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी आपकी लाइफ की आपका वेट कर रही है। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं से जुड़े रहें। रोज की रोटी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपको बाइबल की समझ देने के लिए परमेश्वर ने दी है। संडे मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। जितने लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी आँख अपनी आँखों को बंद करके मेरा जो मैं वर्ड्स बोलूँगा उसको रिपीट करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू में छुपाएं, अपनी संतान होने का अधिकार दें, मेरे जीवन में आएं, आप मेरे उद्धारकर्ता बन जाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह संडे मीटिंग में मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं